गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ EVS एंड आई एम योर EVS टीचर एंड यू ऑल नो दैट वी आर इन चैप्टर नंबर 7 एंड द एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन एंड वी आर इन चैप्टर नंबर पेज नंबर 58 नाउ. इन लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इन बिटवीन क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 57. नाउ वी आर इन दिस पेज नंबर. सम questions are here which are based on the discussion. Imagine and draw in your notebook what Omana saw under the bridge when her train crossed it. Yes children, in that question you have to draw a bridge on your notebook and imagine the feeling of Omana. Okay, that is the understanding based question. चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में आपको एक ब्रिज बनाना है नोटबुक में, जिसके नीचे से होकर नदी गुजर रही है और ऊपर से ट्रेन क्रॉस हो रही है. ओके, एंड नाउ द सेकंड वन, इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमानास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स. यस बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इमेजिन कीजिए अगर टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते तो ओमाना की ट्रेन माउंटेन्स को और रिवर्स को कैसे क्रॉस करती, क्या वो क्रॉस कर पाती. यस ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल, विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस द ट्रेन जर्नी इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो ऑब्वियसली आवर आंसर इज़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस वी कैन नॉट पासिंग थ्रू द माउंटेन्स एंड रिवर्स बाय अ ट्रेन. ओके, नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. नाउ इट इज आफ्टरनून, एज यू नो दैट ओमाना डिस्क्राइब द जर्नी एंड मेंशनड इट इन योर हर डायरी फॉर हर फ्रेंड. ओके, नाउ सी सेड दैट नाउ इट इज आफ्टरनून, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा that we bought from Udipi station. Omana कह रही है अब afternoon हो गया है, that means दोपहर का समय हो गया है और हम लोगों ने कुछ lunch खरीदा है Udipi station से. और वो lunch क्या है, idli and vada. Children, it is a South Indian dish. Okay, we also bought some bananas, these were very small and very tasty. Omana कह रही है हमने कुछ केले भी वहाँ से खरीदे और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, छोटे थे बट टेस्टी थे. द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर. ओमाना कह रही है अब जो ट्रेन से बाहर का जो सीन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, हमें बहुत सारे कोकोनट के ट्री दिख रहे थे और हरे हरे खेत दिख रहे थे हर जगह. अम्मा सेज दैट These are paddy fields. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. Children, as you know that in different states, our food habits and our cloth habits had been changed. देखे बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन, अगर अलग अलग स्टेट्स में हमारे पहनावे में और खाने पीने की आदतों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं. जैसे जम्मू कश्मीर में मोस्टली लोग फिरहान और लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे सूट, कश्मीरी कुर्तास. ऐसे ही साउथ में लोग वाइट कलर की शर्ट और वाइट धोती पहनते हैं और मोस्टली लेडीज़ भी वाइट साड़ीज़ पहनती है, बालों में गजरा लगाती हैं. वैसे ही वहाँ पर उन्होंने देखा उन जो लोग वहाँ के थे उनके पहनावे में और उनके वहाँ के रहन सहन में बहुत ज़्यादा उनको डिफरेंस ही लग रही थी. ओके, नाउ मोस्ट पीपल आर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीस. मोस्टली जो साउथ के जो लोग होते हैं वाइट और क्रीम कलर की धोती पहनते हैं एंड इसी कलर की साड़ीज वेयर करती हैं लेडीज. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. हमारे साथ अहमदाबाद से जो लोग चढ़े थे ट्रेन में वो बहुत सारे लोग अब
अलग अलग स्टेशंस में उतर चुके थे. सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड जो विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock. आपको उमाना ने पहले अपने डायरी के डिस्क्रिप्शन में बताया था उनके साथ एक और फैमिली जर्नी कर रही थी. उनकी फैमिली भी कोझिकोड में उतर गई. वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. हम लोगों ने एक दूसरे को अपना एड्रेस दिया और प्लान किया कि हम अहमदाबाद में जाकर फिर से मिलेंगे. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड आन. ओके नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर. नाउ वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. ओके विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम. ये पूछ रहा है मोस्टली आप लोग कौन सी लैंग्वेजेस घर में बोलते हैं. आई थिंक चिल्ड्रन वी ऑल यूज़ मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर होम्स. ओके सो आई एम मेंशनिंग हियर हिंदी एंड इंग्लिश. ओके ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला उमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट्स इट क्रॉस्ड. पूछ रहा है गुजरात से केरला की जर्नी के दौरान ओमाना की ट्रेन बहुत सारे स्टेट्स से होकर गुजरी. आपको उन स्टेट्स के नाम बताने. सो लुक एट हियर आई एम मेंशनिंग द आंसर हियर. ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू गुजरात महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका. ओके नाउ द नेक्स्ट वन. डिड यू एवर हैव कोकोनट ट्री. हाउ डिड यू फाइंड इट डिस्कस. क्या आपने कभी कोकोनट का ट्री देखा है. अगर देखा है तो वो कैसा है होता है आपको बताना है. सो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. इफ़ यू हैव सॉ दिस यू हैव टू राइट येस. इफ़ नॉट यू हैव टू राइट नो. ओके नाउ द नेक्स्ट वन. ड्रॉ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट. इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू draw a coconut tree. That is not possible on the book, so you have to draw a coconut tree in a neat and clean way on your notebook. Okay children, aapko coconut ka jo tree hai book mein to possible hai nahi, to aapko apni notebook mein blank wale page mein coconut ka ek sundar sa tree banana hai. Okay now come on the next page, page number 59. Here given some languages and some state's name. Okay and fill it on your book. Language and where it is spoken. States languages are given here and I am mentioning the state's name. Malayalam and Malayalam language is spoken mostly in Kerala. Konkani in Goa. Marathi in Maharashtra. Gujarati in Gujarat. Kannada in Karnataka. Okay Kannada in कर्नाटक. नाउ उमाना सेड दैट नाउ इट इज नाइट. अब रात का समय हो गया है. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. अब हम अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं. द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours. 3 घंटे में जो हमारी ट्रेन है वो कोट्टायम पहुंच जाएगी. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. जो कि उनकी डेस्टिनेशन था जहाँ पर वो उतरने वाले थे. टू नाइट वी विल गो टू वलयम्मास हाउस. आज हम अपनी वलयम्मा के हाउस में जाएंगे. चिल्ड्रन टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमुम्मास विलेज. कल ये जो ट्रेन है हमें लेके अमुम्मा के गांव में ले जाएगी. वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड. अब हम लोग बहुत थक चुके हैं. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. क्योंकि 2 दिन से हम कॉन्टीन्यूसली यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में. व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. कितनी लंबी जर्नी थी उमाना बता रही है. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने पूरी जर्नी में बहुत मज़े किए. आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ. अब मैं अपनी डायरी रख रही हूँ. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमुम्मास हाउस. अब मैं दोबारा से इसमें चीज़ें मेंशन करूँगी जब मैं अपने अमुम्मा के हाउस में पहुँचूँगी. चिल्ड्रन हियर आर गिवन सम रिलेशंस एंड what do you call them. Write the name of the relations. Your mother's sister. I think you all know that. क्या कहते हैं हम अपनी मम्मा के sister को. That is मौसी. Your mother's mother. मम्मा की मम्मा को क्या कहते हैं. नानी. Your father's sister. Father की sister को क्या कहते हैं.
बताइए बुआ एंड योर फादर्स मदर ऑब्वियसली दादी एंड जैसे हम अपने यहाँ मम्मा की मम्मा को नानी कहते हैं वैसे ही हमारे यहाँ सॉरी मलयालम में मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियम्मा मदर की बड़ी बहन को जैसे हमारे यहाँ हमारी बहन मम्मा की सिस्टर को मौसी कहते हैं हाँ मलयालम में क्या कहते हैं मदर की एल्डर सिस्टर को वलियम्मा ओके चिल्ड्रन नाउ द चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑन द नेक्स्ट वीडियो देन कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 8 द चैप्टर नंबर 8 इज ऑल्सो इंटरलिंक बाय द चैप्टर नंबर 6 एंड 7 दैट वी विल डिस्कस आफ्टर द क्वेश्चन आंसर्स ओके टिल देन यू हैव टू अंडरस्टूड एंड रीड हार्डली द चैप्टर नंबर 7 एंड स्टे होम स्टे सेफ हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन.